हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज बात करते हैं सत्तू के फ़ायदों के बारे में। क्या आप भी बहुत कमजोरी और थकान फील करते हैं? जब आप अपना चेकअप करवाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, यानी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लगता है कि आपके शरीर में किसी मिनरल या फिर किसी विटामिन की कमी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी है, आपको डायबिटीज़ की समस्या है, एनीमिया से आप जूझ रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, थकान और आलस सारा दिन रहता है, पेट में बहुत गैस बनती है, एसिडिटी और जलन रहती है, बहुत ज़्यादा मोटापा है आपको, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और उसकी मेडिसिन भी आप रोज़ ले रहे हैं, इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई और बेजान है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है और इसे एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं जाए। तो सबसे पहले जानते हैं सत्तू आखिर है क्या। सत्तू जौ और चने को धीमी धीमी आंच पर रोस्ट किया जाता है, उसके बाद इनका पाउडर तैयार किया जाता है। इस तैयार पाउडर को ही सत्तू कहते हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे घर पे बनाना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस सत्तू की तासीर यानी गुण बिल्कुल ठंडा होता है। इस सत्तू का जो सबसे बड़ा गुण ये है कि इसकी तासीर जो इसका नेचर है बहुत ठंडा होता है, यानी गर्मियों के दिनों में आप बहुत आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उन लोगों को भी इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर सत्तू के फ़ायदे हमारे लिए क्या क्या हैं। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आपको इसके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सत्तू के फ़ायदों के बारे में, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। ये हमारे शरीर को ठंडक देता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। सत्तू के अंदर मैग्नीज, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है। ये मोटापे को कम करता है। बहुत लोग जो मोटे हैं वो खाना कम करके पतले होते हैं, जिससे मोटापा तो कम हो जाता है लेकिन कमजोरी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोग मोटापा कम करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं और भोजन की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं, नतीजा मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में कमजोरी आना। इसीलिए अगर आप हेल्दी तरीके से वेट कम करना चाहते हैं तो आपको सत्तू से बढ़िया चीज़ और कोई नहीं मिल सकती। आप अपनी डाइट में ऑयली चीज़ों को कम कर दीजिए। इसके अलावा चीनी खाने यानी शुगर का इंटेक कम कर दीजिए। इसके अलावा सत्तू का सेवन शुरू कर दीजिए। कम से कम 30 मिनट की वर्कआउट या एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, तो आप बहुत आसानी से और हेल्दी तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं। इसका सेवन करने से थकान और कमजोरी फील नहीं होगी। यह हमें लू और गर्मी से बचा कर रखता है। इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडक का एहसास करवाते हैं। अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और इसकी मेडिसिन आप रोज़ाना लेते हैं, तो आप रोज़ाना सत्तू का सेवन करिए। सत्तू का सेवन अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा सोडियम है वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बॉडी में सोडियम के बढ़ने और टेंशन ज़्यादा लेने से होती है। सत्तू का सेवन करने से सोडियम बॉडी से बाहर हो जाता है और सत्तू में मौजूद पोटेशियम सोडियम को बैलेंस करके रखता है, टेंशन नहीं होने देता, दिमाग को शांत करता है और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लोग भी जिम जाते हैं उन्हें रोजाना सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए। ये मांसपेशियों की मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बॉडी खुद एनर्जी पैदा नहीं करती, उन्हें बाहर से एनर्जी को इनटेक करना पड़ता है। कुछ लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों के दिनों में सत्तू का सेवन करते हैं तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका एक और सबसे बड़ा गुण है कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारा पेट है। जब हमारी आंतों की कार्य क्षमता धीमी पड़ जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और ये सत्तू जो है हमारी आंतों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, ना ही डायरिया की समस्या होती है। आपको रोजाना सत्तू का सेवन जरूर करना चाहिए। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो रोजाना सत्तू का सेवन करें। सत्तू में मौजूद बीटा ग्लूकोन
ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। जो हम सत्तू को तैयार करने के लिए जौ और चने का यूज कर रहे हैं, ये वैसे भी डायबिटिक पेशेंट के लिए एक दवाई माना जाता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को इसका रोजाना यूज जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनको सत्तू का सेवन करना बहुत फायदेमंद है। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप इसका सेवन रात को सोते टाइम नहीं करें, यानी कि दिन ढलने के बाद नहीं करें, और सुबह आप किसी भी टाइम, दोपहर में किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा ये सत्तू का सेवन करने से हमारी स्किन फ्री रेडिकल से बची रहती है, स्किन हमारी हाइड्रेट रहती है, फेस पर रिंकल नहीं आते। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट स्किन पर ग्लो लाता है, ड्राइनेस को दूर करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों को मजबूती और शाइनिंग देता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला उच्च कैल्शियम और आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता, जिससे हम दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो अब जानते हैं किन लोगों ने सत्तू का सेवन नहीं करना। तो जिनको भी पथरी की समस्या है, उन्होंने सत्तू का सेवन नहीं करना। इसके अलावा जिनको सर्दी और ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर ठंड से एलर्जी है, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, उन लोगों ने सत्तू का सेवन नहीं करना। रात के समय सत्तू का सेवन नहीं करें, और सत्तू का सेवन दूध में मिक्स करके आप नहीं करें। इसके अलावा आप नमकीन सत्तू बना सकते हैं, सत्तू का परौंठा बना सकते हैं, सत्तू को मीठे रूप में ले सकते हैं। सत्तू को मीठे रूप में लेने के लिए सत्तू को आपने किस तरीके से बनाना है, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बता दूं, तो आपने चने लेने हैं भुने हुए, यानी एक कटोरी चने ले लिए, एक कटोरी ही भुना हुआ आपने जौ ले लिया। इनका अच्छे से पाउडर बना लीजिए और इनको छान लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण का, इस पाउडर का 2 चम्मच नॉर्मल पानी में मिक्स कर दीजिए। मीठा बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ मिक्स कर लीजिए, और इसके अलावा चुटकी भर आप काला नमक मिक्स कर लीजिए। ऐसा मीठा बना हुआ गुड़ वाला शरबत जो है सत्तू का, ये कमजोरी को दूर करता है और खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आप इसे नमकीन बनाना चाहते हैं, तो इसमें गुड़ मिक्स नहीं करें। हाँ, जो लोग मोटे हैं वो नमकीन का ही यूज़ करें, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी नमकीन का ही यूज़ करें। ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित, तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप ऐसी ही हेल्थ से संबंधित और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।